खीरी के शारदा बैराज पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम ने शारदा बैराज का निरीक्षण किया, अधिकारियों के साथ बाढ़ को लेकर बैठक भी की, बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया मुख्यमंत्री ने। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी, और हमारे साथ हमारे सहयोगी शारिक खान जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। शारिक, आपसे जानना चाहेंगे, निरीक्षण किया गया, क्या संतुष्ट नजर आए मुख्यमंत्री? साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि बाढ़ पीड़ितों को किसी तरीके की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तमाम तरह की जो वैक्सीन है, सांप वाली या क्लोरीन की गोली है, वो मौजूद रहनी चाहिए बाढ़ प्रभावित कटान प्रभावित क्षेत्रों में। फिलहाल जो तैयारियां थी उसको लेकर संतुष्ट लिखे, लेकिन हिदायत जरूर देकर गए कि किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए बाढ़ पीड़ितों को। और शारदा बैराज की अगर ताजा स्थिति हम जाने तो क्या है ताजा स्थिति और फिर ताजा लोकेशन क्या है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? देखिए, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही थी और बनबसा बैराज से पानी का डिस्चार्ज था, उसको उसके बाद जो है ये शारदा नदी उफनाई थी और जो पलिया इलाका है वहाँ के जो निचले इलाके हैं, फूलबिहड़ ब्लॉक के कई गांव हैं और ईसानगर जो क्षेत्र है वहाँ पर कटान जरूर तेज हुआ था और जो निचले इलाके थे वहाँ पर बाढ़ का पानी पहुंचा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए शारिक खान। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी पहुंचे, शारदा बैराज का निरीक्षण किया, हवाई सर्वेक्षण भी किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। गोंडा में भी सीएम बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करेंगे और बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात भी करेंगे, लेकिन खराब मौसम की वजह से सीएम योगी के दौरे में देरी हो गई।